हेलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई थी और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और हमें प्राउड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। बहुत अच्छा लगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि जो सोच है वो एक पॉजिटिव सोच थी। वो ये दिखाती है कि हिंदुस्तान ये नया हिंदुस्तान है। आज से पहले आप लोगों ने इंडिया गेट पर कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति नहीं देखी होगी। देखिए, दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और जो ये दिखाता है कि भारत एक सही दिशा में, सशक्त दिशा में आगे जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उनके विचार जाना है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी और सुभाष चंद्र बोस एक भारत के रियल हीरो हैं जिनको इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। लेकिन आज देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी में इनका एक मुख्य योगदान था और लोग कहते हैं कि हमें जो आज़ादी मिली वो चरखे से मिली। हर लोगों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मेरा इस विषय में ये मानना है दोस्तों कि अगर आपके घर में कोई चोर घुसा है तो क्या आप उससे ये बोलोगे मेरे गाल पे मार दे? नहीं। उसी प्रकार से अंग्रेज जिस हिसाब से भारत में आए थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने आर्मी बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज, और वो हमारे रियल नायक हैं। तो मैं दिल से चाहूँगा, दिल से उनको सल्यूट करें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस रियल हीरो हैं जो सही में यहाँ हकदार थे। और देर से ही सही समय पे आए वो और मैं उनको दिल से नमन करता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और ये कोशिश करता हूँ कि हर भारतीय के अंदर वही देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और हम लोगों को सीख लेनी चाहिए इसराइल से। आज इसराइल दुनिया का देश है, बहुत छोटा है और लेकिन पूरी दुनिया में उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी पावर का दुनिया लोहा मानती है। इसलिए क्योंकि वहाँ का प्रत्येक नागरिक अपने देश के लिए डिवोटेड होता है। जब आप अपने देश के लिए खड़े रहोगे दोस्तों, तो कहते हैं ना, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। तो आज़ाद हिंद फौज के नायक हैं सुभाष बाबू, उनको मैं नमन करता हूँ और मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ हर हिंदुस्तानी को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह बने और अपने देश के लिए हमेशा मरने मिटने से पीछे ना रहें। क्योंकि ये दुनिया है, जब तुम अपने देश का सम्मान करोगे तभी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। देखिए, यहाँ मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, इनसे बातें भी करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? आप कहाँ से आए हो? हम तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, देखो ये महाराष्ट्र है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। वाह, देखो महाराष्ट्र से आए हैं और घूमने के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखा है इन्होंने। आप फर्स्ट टाइम आए? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ बात करके? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मजर है और मैं फर्स्ट बार आए हैं। तो आप ये बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ इंडिया गेट पे हैं, कैसा लग रहा है आपको? प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट बार आए तो उनका इतिहास बड़ा है जी। तो ये बात, मतलब आज फर्स्ट टाइम उनको देखने को, मतलब ये योग आया है वो। ओके, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, महाराष्ट्र से हैं। तो ये दोस्त हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमूल है सर। अमूल जी, महाराष्ट्र में कौन सी जगह? महाराष्ट्र में सर हम हिंगोली से आए। हिंगोली। महाराष्ट्र के लोग बहुत ही प्रिय होते हैं और बहुत ही मिलनसार होते हैं। हाँ सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इंडिया गेट से अपने दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इंडिया गेट एक मेमोरिकल हिस्ट्री है, लोगों को यहाँ आना चाहिए, घूमना चाहिए, चाहिए और हमारे देश से हर इंसान को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना अगर चाहिए। हमारे अंदर अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। बेकार है, बेकार। क्योंकि ये देश हमें देता है आज़ादी, तो हमें भी अपने देश के लिए ये चीजें ध्यान देनी चाहिए, बात करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके 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 जी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं इंडिया गेट पर आ गया हूँ और यहाँ बिल्कुल सामने हैं ये कल्पना जी, मेरे साथ हैं, ये बिहार से हैं तो आज ये मेरे साथ ही हैं।
तो मैं इंडिया गेट को आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है, लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया गेट को मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारे देश का स्वाभिमान का प्रतीक है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ एंजॉय। वाह, सो नाइस। चलो इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं सोनू शर्मा। क्या नाम? मेरा नाम सोनू शर्मा है। ओके, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का? जैसे कि सबको पता है कि यहाँ की जो ब्यूटी है उसको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए लोग इंडिया से तो लोग आते ही हैं, साथ में बाहर कंट्री जैसे US, UK, अदर फॉरेन कंट्री से भी लोग यहाँ विजिट करते हैं और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैच करते हैं। तो यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वाभिमान का प्रतीक भी होता है। एग्जैक्टली, आप ये बात सही बोले हैं। ये गौरव की बात है, ये कि हमारे देश की शान की बात है। इतना सुंदर, इतना भव्य तरीका से जो बनाया गया है, जो दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कितनी मजबूती रही, कितना सुंदर देश को बनाकर निर्माण किया गया। वाह वाह, तो हमारे देश का स्वाभिमान का प्रतीक है। तो आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगे? अगर जैसे कि मैं तो सभी युवा पीढ़ी को यह कहना चाहूँगा कि वंस अपने लाइफ टाइम में एक बार जरूर इस प्लेस में आए, इस जगह को देखें। यहाँ पर जो हमारे आप आगे बढ़ेगा तो हमारे देश के बहुत सारे वीर जवानों ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसके शहादत को भी दिया गया। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी से देख कर अपने अंदर वह प्रेरणा ले ताकि सीख सके कि आने वाली इस जो आज़ादी मिली थी, यह आज़ादी जो है कितने संघर्षों के बाद मिली थी। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को देखना चाहिए। तो ये कहते हैं कि आज़ादी जो मिली है हमें वो गांधी जी ने दिलवाई, इस बारे में आपका क्या विचार है? इस पर क्योंकि मैं सुभाष से बहुत प्रेरित हूँ। हाँ। आप बताइए, आपके क्या विचार है? इस पर दो विचारधारा काम करती है, एक हिंसा और एक अहिंसा की बात यहाँ पर हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप हम सब जानते हैं कि अगर बिना खड़क बिना ढाल के अगर आज़ादी मिल जाती तो सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, ये सब कभी खड़क डाल गन कभी उठाते ही नहीं। जी जी। तो ये सिर्फ बात कहने के लायक की बात है कि चरखों से आज़ादी मिली है। अगर चरखों से आज़ादी मिल जाती तो आज आप देख रहे हैं कि क्या नेशन पर जो चल रहा है, चरखों से आज़ादी मिलने वाली है नहीं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कहीं ना कहीं आपको हथियार अब उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अभी इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा, तो हमारे प्रधानमंत्री इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमास को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना उन लोगों के लिए? देखिए, बात यहाँ मानवता की हो जाती है, बात यहाँ पर मानवता की हो जाती है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से युद्ध दो नेशन के बीच में, कहीं ना कहीं वहाँ की जो नहीं, हमास तो कुछ देश नहीं है ना, फिलिस्तीन देश है। हमास तो एक आतंकवादी गुट है, उसने इसराइल पर हमला किया है, तो इस विषय में आपके क्या विचार है? किसी भी देश अगर आतंकवादी संगठन से जूझ रहा है तो यह उस देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक स्टेप लेना चाहिए जिससे आतंकवादी गतिविधियां उसे खत्म कर दिया जा सके। तो आपका कहने का मतलब है इसराइल के स्टैंड से आप खुश हैं? इसराइल ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया गया। देखो, हमारे भाई कह रहे हैं इसराइल ने जो डिसीजन लिया, और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है और हम सब इसराइल के साथ हैं। आई लव इसराइल। और अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके फ्रेंड, थैंक यू। हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिखा रहा हूँ। ये भारत का सबसे प्राउड की चीज़ है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस रियल हीरो हैं इस हिंदुस्तान के, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और यही वो व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों। और दिल से इनको नमन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रियल हीरो हैं हमारे। और यहाँ पर हम देखें भीड़ दिखा रहे हैं आपको, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक या डेढ़ बजे का टाइम हो गया है, काफ़ी भीड़ है। ये देखिए, ये आपको इंडिया गेट दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल इंडिया गेट के सामने ही हूँ मैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे हम किसी से बात करने की भी कोशिश करते हैं। और सच में बहुत अच्छा लगता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे रियल हीरो हैं और उन्हीं के प्रयासों से आज हम सब लोग आज़ाद भारत में रह रहे हैं, आज़ादी फील कर रहे हैं। तो हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कभी भी, ये हमारे रियल हीरो हैं।
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। ये भारत के रियल हीरो हैं और इनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव सोच थी इनकी और बहुत ही इंटेलिजेंट थे और देश की आज़ादी में इनका बहुत योगदान रहा था दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैं इंडिया गेट के सामने हूँ दोस्तों और काफ़ी भीड़ है यहाँ। तो मैं यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा एक व्यक्तिगत प्रश्न है इसराइल और हमास के विषय में। मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसराइल ने जो एक्शन लिया है हमास के खिलाफ वो बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आप सो रहे हो घर पे अपने बच्चों के साथ और आपके घर पे है कोई घुस के आपके बच्चों को मारे, आपके परिवार को मारे, तो आप क्या करोगे? तो मेरे हिसाब से इसराइल ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। हर किसी को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसराइल देखिए दोस्तों एक छोटा सा देश है और जो पूरी दुनिया में जिसकी 0.01% आबादी है, लेकिन उसके बाद भी उसकी दुनिया में एक जगह है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा देशभक्त होते हैं। अगर हमको देशभक्ति सीखनी है तो दोस्तों इसराइल से सीखें। आज हम लोग हैं, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ के नेता हैं, पैसे के लिए हम चंद चीज़ों में बिक जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपसे, भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर हम अपने देश के लिए, हमें जज्बा होना चाहिए और हम अपने देश के लिए डिवोटेड होने चाहिए, हमें इसराइल से सीख लेनी चाहिए। आज हम लोग, हमारे नेता हैं आपस में बटे हुए हैं, पैसे के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन इसराइल से सीख लेते हुए जो दुनिया में आबादी जिसकी 1 से 1.5 करोड़ है, उसके बाद भी वो किसी से झुकता नहीं है और घर में घुस के मारता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसराइल ने जो किया वो सही किया और हम उसके साथ हैं। आई लव इसराइल सपोर्ट।